नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजल का एग्जाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को, उसके बाद से लगातार विवाद में चल रहा है वो एग्जाम। विवाद इसलिए चल रहा है कि साफ तौर पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और साफ तौर पर, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट भी हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक कुणाल हैं, हम बात करेंगे। लगातार अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अब फिर से जेएसएससी को घेरने की कवायद जो है वो चल रही है। बिल्कुल, छात्र अपने अलग अलग गुट में अपना अपना प्लानिंग करके कर रहे हैं और करना भी चाहिए, अपना अपना आंदोलन का हर व्यक्ति को अधिकार है, तो अपने अपनी रूपरेखा सब लोग तैयार कर रहे हैं तो करें, और अच्छी बात है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हम लोगों ने सबूत उस दिन दिया था उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि सीडी खाली है, ये वो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा हाइप क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, सीडी खाली है। तो आज उनका, आज 4 तारीख को शाम 6 बजे हम लोग जा रहे हैं चेयरमैन सर के पास, और उसका पूरा पूरा एक एक सवाल का उनका उत्तर, और साथ ही साथ सीडी फिर से उनको दोबारा देने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके पास कोई बहाना ना बचे। वो जिस तरह का र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह के छात्रों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी मनसा कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगी, एग्जाम उनको रद्द करना होगा। मैंने उनको कल भी कहा था कि सर आप लाख कोशिश कर लो, इस एग्जाम को आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि बिना साक्ष्यों के कोई बात नहीं कर रहा, अगर साक्ष्य हैं तभी कोई बात कर रहा है। और जहाँ तक आज मैं देख रहा था कि पूरा जेएमएम का आईटी सेल मतलब ऐसे ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल मेरे लिए किया जा रहा था जो शायद नहीं करना चाहिए, उनकी ओछी मानसिकता का परिचय है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को, आपका जो आईटी सेल का जो हेड वगैरह लोग हैं, उनको बताइए कि कैसे टीच किया जाता है, ठीक है, उनको कैसे सिखाया जाता है, कैसे बात करने की तमीज़ होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे जब उतर जाएंगे, फिर अपने ऊपर उतर जाएंगे, तो हमारे बच्चों को झेल नहीं पाएंगे ये लोग, फिर जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में उतर दिया जाएगा। और आज जो से कहीं ट्वीट हुआ है, मैंने देखा किसी ने भेजा मुझे कि साक्ष्य दीजिए तो हम लोग जो है उसका पूरा अविलंब माननीय मुख्यमंत्री कैंसिल करेंगे। तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से, न्यूज बायोस्कोप के माध्यम से आपके सामने, अमित कुमार झा जी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, और इस बात को मेरे पहुंचाने का प्रयास करें कि हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि मैं साक्ष्य दूंगा, सबके सामने दूंगा, लेकिन पूरा मीडिया का तंत्र वहाँ होना चाहिए, पूरा उनका आईटी सेल होना चाहिए, फॉरेंसिक वाले भी होने चाहिए और पुलिस वाले भी होने चाहिए, पूरा मीडिया ट्रायल में लाइव चलेगा और मैं साक्ष्य दूंगा। अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तब वो बात करें। अच्छा, एक बात बताइए, उस दिन जब जेएसएससी का घेराव आप लोगों ने किया था, वहाँ आंदोलन किया था, कई ऐसे अभ्यर्थी जो हैं, जो छात्र हैं, वो हमारे जो हम जो कवर किए, जो न्यूज़ चलाए, उसमें कह रहे हैं कि शिक्षकों ने सब कुछ खराब कर दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कई एक शिक्षक थे वहाँ पे, देखिए ये जब आप बहुत सारे गुट में, बहुत सारी संख्या में जब चलेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के विचार अलग हो सकता है, कुछ लोगों के विचार अलग हों। उस समय सिचुएशन ऐसा था कि कुछ लोग, अब वो कौन लोग थे ये आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, मेरा कोई भी प्रशासन में निकाल कर देख ले, जिसको भी निकालना निकाल कर देख ले, मैं हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देता। मैंने सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे जो आक्रोशित थे, मैंने उनको शांत कराया, लेकिन उन बीच में ये भी पता चला कि कुछ लोग वहाँ इस मंशा से आए थे कि पूरे आंदोलन को ख़राब करने के लिए, और वहाँ जो 100-150 पुलिस बल थे, 30-40 हज़ार की संख्या में पुलिस वाले थे, सोचिए अगर कुछ अनहोनी होती तो क्या हम अपने आप को कभी माफ़ कर पाते? नहीं माफ़ कर पाते। हम गांधी की विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं इस बापू वाटिका से आपको कभी इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि परीक्षा में करप्शन हुआ है, परीक्षा रद्द होगा, और बटने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कुछ, हम लोग सब यूनाइटेड है, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे कोई भी हो जो इस लड़ाई में हमारे साथ है, मुद्दा सबका है, छात्रों का है, किसी की अपनी राजनीति नहीं हो, किसी को अपना स्वार्थ नहीं, तो उसको अभी साइड रखें। मैं यही उसको सलाह दूंगा, पहला जो है छात्र हित जो है पहला मोटो होना चाहिए, और उसी संबंध में मैं जो है यहाँ बुलाया गया तो मैं यहाँ आया, और छात्र नेता जो है आगे अगुवाई करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है, हम लोगों ने जहाँ तक अगुवाई किया आगे भी करेंगे, आगे भी रहेंगे, हर चीज़ में हम लोग साथ हैं। मैंने कहा कि मोटो एक चीज़ है, और रद्द करवाना चाहे जैसे एन किन प्रकार हैं, जैसे भी रद्द मतलब रद्द। जेएमएम की तरफ से यह भी आरोप लगाया कि ये जो आंदोलन है वो कोचिंग माफियाओं का आंदोलन है, ना कि अभ्यर्थियों का। उन माफियाओं से उनको फिर डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? अगर बच्चों का, अगर शिक्षकों का काम पढ़ाना है, अगर पढ़ाना उनकी नैतिकता है, तो क्या बच्चों के साथ आवाज़ उठाना उनकी नैतिकता नहीं है? उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह का बात कर रहे हैं उनके आईटी सेल वाले, शर्म आनी चाहिए। उदाहरण देख लें खान सर, उदाहरण देख लें विकास दिव्य कीर्ति, उदाहरण देख लें विवेक जी भी इलाहाबाद में रिसेंट का प्रकरण है, बड़े बड़े शिक्षक हैं, छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, तो हम नहीं खड़े रह सकते? मतलब आप हमें ज्ञान सिखाओगे? आप दूध के दूल्हे हो, आप ही ज्ञान सिखाओगे? जब मुख्यमंत्री के साथ लोग टहल रहे थे और जाके लोग ज्ञापन दे रहे थे, उस समय तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और सरकार बनी तो आपकी जो है बोलती बदल गई,
आप समझ रहे हैं, आप जिस चालाकी में खेल रहे हो ना, बांटने का प्रयास करो, कभी जीवन में नहीं बांट पाओगे, ठीक है। और इस बार जैसे से सीजीएल का अर्थी उठना तय है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अर्थी उठना तय है। ये बचा सकते हैं तो बचा लें, जिस तरह से बचा सकते हैं बचा लें, हाई कोर्ट में बचा लें, सड़क पे बचा लें, जैसे बचा लें बचा लें। हाई कोर्ट में भी फाइल हो गया है केस, एक नहीं दो तीन केस फाइल हो गया है, बचा लें। बचाना है तो वहाँ प्रत्युत्तर दें, प्रत्युत्तर दें, वहाँ सवालों के जवाबों का प्रत्युत्तर दें, आप बचा लें इसको। जितने भी लोग हैं या फिर वही लोग, मैं भी कह रहा हूँ कि ट्वीट को डिलीट मत करिएगा, ट्वीट को डिलीट मत करिएगा। ये ट्वीट आगे यही झारखंडी छात्र जो हैं आपको जवाब देंगे उसी ट्वीट के साथ। आप जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बांट नहीं सकते आप। अगर शिक्षकों का काम पढ़ाना है तो शिक्षकों का काम नैतिकता के आधार पर उनकी बात को उठाना भी है। और अपनी अपनी सबकी विचारधारा है, क्यों नहीं रहे भाई आप विचारधारा बात करने के लिए बाध्य है क्या? पौने पाँच साल सब लोग चुप रहे, किसी के पास देखा क्या हम लोगों को? हम लोगों को देखा कभी किसी को ज्ञापन लेकर बीजेपी वालों के पास जाते के लिए? एक स्वस्थ लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? अगर आप नहीं सुनने के लिए तैयार हैं तो लोग विपक्ष के पास जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते हैं, यही परिभाषा भी है। बच्चे भी जा रहे थे ना, जब मैं गौसव तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लेने बड़ा अच्छा लग रहा था, और आज बहुत सिनेमा दर्द हो रहा है, तो यह दर्द होना लाजमी है और यह दर्द अभी और आगे होगा, देखते जाइए बस आप। का ये भी कहना था कि पीएम मोदी से आप लोग मिलने गए थे हजारीबाग में, उन्होंने आपसे मिला भी, आपने उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा सीजल पेपर को लेकर के, तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था उस वक्त में पीएम मोदी के पास ऑप्शन था कि वो एग्ज़ाम रद्द करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो क्या सीजीएल कहीं ना कहीं एक चुनावी प्रोपेगंडा है ये झारखंड के लिए? चुनावी प्रोपेगंडा कैसे हो सकता है ये बताइए हमें। 21-28 का उदाहरण आप भूल गए क्या? 21-28 का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी को, सॉरी 28 जनवरी को जो पेपर रद्द हुआ था, किस कारण से रद्द हुआ था मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या वो प्रोपेगंडा था सरकार का? हर व्यक्ति के पास में, हर दूसरे आदमी के मोबाइल में जो है आंसर की पहले आ गई थी। इस बार नेट तो इसीलिए तो बंद किया गया, नेट क्यों? ये एक प्लांट एसओपी के तहत काम किया गया है। ये 28 तारीख को आपका प्रोपेगंडा था, पीजीटी में मुख बद्री बोल रहा होगा प्रोपेगंडा था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है आपका 50-50 नंबर का अंतर है वो प्रोपेगंडा था। आपने छः महीने के बाद पीजीटी वाले को ज्वाइन करने के बाद आपने कैटेगरी चेंज की, ये भी प्रोपेगंडा था। जेपीएससी में आप पे आरोप लगे, ये भी प्रोपेगंडा था। और छठी जेपीएससी में जो आप लोगों ने घूम घूम के हर जगह पूरी सभा में, अगर थोड़ी सी आंखों का पानी उतर गया होगा तो बोल दीजिएगा एक बार फिर से देखने के लिए, छठी जेपीएससी में हर सभा में, हर जनसभा में, बच्चों के बीच में, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, विधानसभा में, हर जगह लोगों ने घूम घूम के क्या कहा था कि छठी जेपीएससी हमारी सरकार बनते ही, सरकार बनाओ आते हैं रद्द करेंगे, कहा था। अब देख लीजिए आते उन्होंने क्या किया, सबसे पहली नियुक्ति सरकार ने छठी जेपीएससी की दी, और वो भी उस समय जिस समय कोरोना काल में लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे, लाखों लोग बिस्तर पे थे, उस समय चोरी छुपे विदाउट एनी ट्रेनिंग और चुपचाप नोटिफिकेशन निकाल के उन लोगों का ट्रेनिंग कराया गया। तो ये सबसे बताइए कि ये प्रोपेगंडा कौन फैलाया, किसने शुरुआत की, और आप इसे प्रोपेगंडा बोल रहे हो आप? मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा अच्छे से कि आप जितना भी, बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी, आप निश्चिंत रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, दिखेगा। ये एक लड़ाई, लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई का परिणाम मैं 200% आश्वस्त करता हूँ आपको अमित जी किया आएगा। चाहिए जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर ले, पूरे तंत्र को लगा दे, अगर मैं सही हूँ और अगर सारे लोग, बाकी लोग जो साक्ष्य दे रहे हैं, हजारीबाग के हो चाहे कोडरमा के हो चाहे जो लोग साक्ष्य दे रहे हैं वो सही हैं तो हैं, और ये प्रमाणित होगी, हमें पूरा विश्वास है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग बैठ के तय करेंगे हम लोग। फिलहाल हाईकोर्ट की हमारी रणनीति है, चूंकि हम एक पक्ष अगर सड़क पर लेकर चल रहे हैं तो एक पक्ष हमें हाईकोर्ट में भी, न्यायपालिका के शरण में भी जाना है। अब मुझे पूरा उम्मीद है, देखिए बाकी डिफरेंटेड केसेस हर लोग जो है कि हाईकोर्ट में सर न्याय नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट में देरी होगी, आपका कहना बिल्कुल सही है, बट जहाँ जो चीज़ ऑब्वियस है यानी कि क्लियर दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट अपना आँख मूंद लेगा। और मुझे जो हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, साउथ इंडियन है, ठीक है, दक्षिण भारतीय वैसे भी बहुत ईमानदार होते हैं और काफ़ी अच्छे हैं जैसा मुझे पता चला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शिक्षक कुणाल थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि हर हाल में हम न्याय जो है ले के रहेंगे, यानी कि सीजल पेपर जो है वो रद्द करवा के रहेंगे। इनका ये भी कहना है कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जिसको लेकर के हम जहां भी जाना होगा वहां जाएंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम की तरफ से ट्वीट किया गया है कि अगर साक्ष्य है तो हम अविलंब ये सीजल पेपर रद्द करेंगे। तो इनका ये भी कहना है कि तमाम मीडिया वालों के सामने, तमाम जो आईटी सेल हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने हम जाके साक्ष्य देंगे, लेकिन इन्हें जो रद्द करना होगा, लेकिन हमारी भी चैलेंज है, वो चैलेंज इन्हें पहले मानना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्र और जेएसएससी के बीच में अब क्या कुछ नतीजा आता है, सीजल पेपर रद्द होता है या नहीं। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।